का शुभारंभ। भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जानी जाती है आयुष्मान भारत योजना। कोरबा में बस पलटने से बड़ा हादसा, हादसे में एक की मौत, दर्जनों लोग घायल। धमतरी में अधेड़ ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, मृतक की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बैकुंठपुर कोरिया जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत मिशन का शुभारंभ किया गया, जो छत्तीसगढ़ शासन के श्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भैया लाल रजवाड़े के द्वारा किया गया। केंद्र की योजना आयुष्मान भारत, जो भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जानी पहचानी जाती है, इस समारोह में जिला स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और आयुष्मान भारत मिशन की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने मेडिकल चिकित्सा वैन का उद्घाटन किया, जो गांव गांव में जाकर ग्रामीणों का उपचार करेगी। इसमें दस्तक लगाने वाली बात नहीं होगा, केस फिर भी होगा। ऐसे सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का निशुल्क सहायता राशि मिलेगा इलाज कराने के लिए। आजकल बहुत से बीमारी हैं जिसके लिए गरीब लोग नहीं करा पाते थे, 4 लाख 5 लाख लगता था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का व्यवस्था किया है, ताकि पैसे के अभाव में किसी का मौत ना हो। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है जो भारत में पूरे गरीबों को इसको मिलेगा, और कैशलेस है, पेपरलेस है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये बहुत बड़ी इस ये गांव गांव जाएगा, इसमें सारी सुविधा है। ब्लड का जांच करने का सुविधा है, शुगर जांच करने का सुविधा है, सारी दवाइयां उसमें रहेगा, उसके साथ डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज रहेंगे, और वो गांव गांव में जाएंगे और गांव को वहीं इलाज करेंगे। सर, जिला अस्पताल में बेड की कमी की जानकारी मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला अस्पताल में बेड की कमी इसलिए है कि हमने सेंक्शन भी करा दिया है 50 बेड का, लेकिन वो PWD वाला वो बना रहा है, पहले तो बोला कि इसमें हम नहीं बना पाएंगे, उसमें कोई कॉलम ही नहीं है, फिर इसके बाद अभी बन रहा है, हो जाएगा कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। बिलासपुर से जांजगीर की ओर प्रधानमंत्री का विरोध करने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। दर्री घाट के पास भारी पुलिस बल ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की। कांग्रेसियों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की भी भरपूर कोशिश की। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हुई। ऐसी नौबत आई
ये लाठी भी उठानी पड़े तो कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी। बहरहाल हम नहीं चाहते कभी भी कि ऐसी स्थिति इस देश में प्रजातांत्रिक भारत में बने। बसपा का गठबंधन क्या बाबा क्या गोल खिलाएगा? ये कांग्रेस से चर्चा चल रही थी क्योंकि राष्ट्रीय परिवेश में एक महागठबंधन की बात हुई थी, वरना मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपनी पहल अपने आप इसके पहले की होती। जब कर्नाटक के चुनाव के बाद मायावती जी सोनिया जी के साथ मंच पे आई और उस स्नेहिल मुद्रा में पूरे देश में उन्होंने देखा, वो हम लोगों के लिए एक संकेत था कि यदि बहुजन समाज पार्टी भी सहमत है तो कांग्रेस भी अपने बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल मेहनत की थी, उनके अवसर जाते जनप्रतिनिधित्व का चुनाव लड़ने के, उसके बावजूद हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, जब राष्ट्र हित में और बेहतरी के लिए देश की कदम उठाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमको भी अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। हमने पहल की, हमने बात की, हो सकता है कि जितनी सीटें वो चाह रहे हों वो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में दे पाना संभव नहीं था, हो सकता है जितनी सीट हम दे पा रहे थे वो उनको स्वीकार्य नहीं था, इसलिए ये बात नहीं बनी। हालांकि बातें तो और भी होती हैं कि क्यों ऐसा हुआ, अब उसमें जाना ठीक नहीं है। कांग्रेस के लिए नुकसान कितना होगा? इसमें देखें, ये आंकड़े सबके सामने हैं। 2003 के चुनाव में 78% मत भाजपा और कांग्रेस के बीच में गए। 2008 के चुनाव में करीब 80% मत भाजपा और कांग्रेस को मिले। 2013 के चुनाव में करीब 82% मत भाजपा और कांग्रेस को मिले। तो छत्तीसगढ़ में दो दलों के बीच में संघर्ष का कारण यही है कि यहाँ की मतदाता जब विकल्प भी रहते थे उन्होंने तीसरे विकल्प को कभी गंभीरता से नहीं लिया और ना आने वाले दिनों में लेगी। चुनाव होगा 82% में बहुमत किसको मिलता है, जो शेष 18% है वो निर्दलियों के रूप में, अन्य दलों के रूप में, कम्युनिस्ट पार्टी है, गोंडवाना है, समाजवादी पार्टी है, NCP है, अन्य क्षेत्रीय दल हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये वोट उनको मिलते हैं। तो कांग्रेस को फायदा होने की संभावना थी अगर बसपा आती, नुकसान होने की संभावना इसलिए नहीं है कि हम उस 82% में बहुमत हासिल करने वाले हैं और वो 82% जो मतदाता हैं उनका बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। जोशी को कितना सीट देंगे आप? दो तीन दे रहे हैं। दो तीन इसलिए मैं तो जीरो कहता हूँ, मेरे को लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल देते, लेकिन मेरा ये मानना है कि चलो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि अविश्वसनीय लगे कि एक भी सीट नहीं आएगी। अगर खेल रहे हैं तो क्या होगा एक आध चौका अगर लगा लिया तो, बाकी तो गेम हम लोग जीतने वाले। धमतरी के कांशीपुरी में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जब एक अधेड़ ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतक शिव धुरवीरी कांशीपुरी का रहने वाला है, जो फसल देखने गया था। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सुबह करीब 8 बजे इनके पिता शिव कुमार, उम्र करीब 50 वर्ष, रेलवे लाइन कांशीपुरी धमतरी रायपुर रेलवे लाइन में इनका खेत है, तो खेत देखने के लिए चला गया था। और इनका दिमागी स्थिति जो है करीब 4 साल से ठीक नहीं है, और अभी जांच में आया है कि ये घटना की परिस्थिति को देखते हुए जो बताया गांव वाले ने भी, पंचानों ने भी, मृतक स्वतः जो है अपने खेत के किनारे बने पैरावट में छुपा हुआ था। ट्रेन आया रायपुर से धमतरी की ओर, उस समय मृतक स्वयं ट्रेन में लाइन में जाके सुसाइड करने के इसे गया, और ट्रेन के चपेट में आने के बाद जो है ट्रेन हादसा में उनका सिर अलग हो गया था, पैर भी कट गए थे। तो सूचना के बाद जो है मौके पर पहुंचने के बाद पंचनामा कार्रवाई किया गया है और यहाँ पर मर्ग नंबर 74/18 पंजीबद्ध किया गया है। शिव कुमार ध्रुव, उम्र 50 वर्ष, कांशीपुरी का ही रहने वाला है। कोरबा के बांगू थाना अंतर्गत मडई रेस्ट हाउस के पास यात्री बस पलट गई। बस अंबिकापुर से बिलासपुर जा रही थी, इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर यात्री घायल होने की सूचना मिल रही है। मृतिका मैनपाट की रहने वाली है, युवती 18 वर्ष की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को अस्पताल में रवाना किया। कोरबा के बालको थाना की गोटी के पास जंगल के रास्ते में एक महिला की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। महिला के पति का कहना है कि सुबह उसने अपनी पत्नी को बस में बैठा कर घर लौट आया था,
दरअसल 32 वर्षीय महिला संतोषी बाई शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी करती है, जिसकी लाश जंगल में मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राधे श्याम। हाँ राधे श्याम, वह कौन है तुरवा? मैं पत्नी। का नाम है उकर? संतोषी भाई। संतोष, तुर उम्र कते के? पैसा ये दे। तुर कते साल होते? ये मैं पता चल ही ना कर मुझे। उकर कते साल है? उकर ये दे रखे हैं। ते बता कब से है लापता? रिसे कैसे पता चली? सुबेच के बात है का? आज भी ना। हाँ। कहाँ जाता का क्लिक लिस? अटल आज बूता करे जात हो कहीं। और सिंदरी पाली बस इक्के में छोड़े हूँ और घर गए हूँ मैं। फिर 8:30 के बाद ही। अच्छा, तो फिर तुला कैसे पता चली? कब पता चली? आज ही मोला वो केकरा हमारे यहाँ जाते हॉस्पिटल में ते पता दिस श्याम लगू। हाँ नहीं तो कहाँ काम कर जाते रही से? ये अटल आवास। कौन सा अटल आवास? कोरबा में गणेश विसर्जन करने गए एक होटल कर्मचारी नहर के तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूब गया। साथ में जितने लोग मौजूद थे वो तमाशबीन बनकर देखते रहे। युवक को बचाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। युवक उत्तराखंड का रहने वाला था और गणेश विसर्जन के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया। फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है। उपेंद्र सिंह जी, और जो आप लोग कहाँ जा रहे थे, क्या करने आए थे? हम सब गणपति विसर्जन करने आए थे जी। और होटल हेरिटेज से कोरबा, तो हम वहाँ से आए थे तो गणपति विसर्जन कराए, लेकिन वो लड़का कैसे डूब गया? गणपति विसर्जन करने आया तो उधर वो कर रहे थे, वो सेट में निकल गए, रॉन्ग साइड से कूद गए। कूदा है वो? हाँ कूदा नहीं, मतलब सर ऐसा है कि मतलब गणपति विसर्जन कर रहे जा रहे थे तो फिसल गए, पाँव फिसल गए या कैसे हो गए, वो निकल गए। अच्छा, क्या नाम है उसको? उसका सिंह हयात सिंह। आप लोग कहाँ से हो सब? हम उत्तराखंड से सर। अब वो? वो भी उत्तराखंड से सर। अच्छा, होटल से आप लोग कैसे पता चला कि भाग गया? लेकिन हमको देखा सर, हमको उसको बहती हुए देखे हो आप? हाँ जी देखा है हमने। ठीक, स्टाफ लोग भी बोले हैं? स्टाफ भी। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग कम से कम 15-20 लोग थे सर। नहीं ज्यादा। ज्यादा थे? हाँ ज्यादा। 35 आदमी थे हम लोग। अच्छा, और होटल तो यहाँ पर कोई बचाया नहीं? बचाया सर, किसी को तैरने नहीं आते थे, किसी को बचाने ऐसे अंदर चले गए कि पता ही नहीं चला। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के ग्राम लाइव में संभाग स्तरीय बाल उत्सव उल्लास 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेलकूद के इवेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस आयोजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय BSA भी शामिल हुए। इस आयोजन में कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर संभाग के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के उद्बोधन में माननीय ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के विषय में कहा, साथ ही प्रतियोगिताओं में शामिल बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी चंद्रवेश सिसोदिया ने सभी का आभार जताया। सारंगढ़ में आवारा मवेशियों की भीड़ हर जगह हर सड़कों पर देखने को मिलती है और मवेशी भी बीमार रहते हैं और उनके इलाज हेतु बीड़ा उठाया है शहर के गौ सेवक के सदस्यों ने, जो सड़क पर बैठे मवेशियों का मुफ्त इलाज कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से नगर पालिका उपाध्यक्ष सतेंद्र बरगाह, सोसाइटी अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के साथ सहयोगियों ने मवेशियों का इलाज किया। इनकी गौ सेवा भावना को देखकर शहर के कई लोग भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं। नगरी ब्लॉक के ग्राम घुरापड़ आदिवासियों ने नवाखाई मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गांव के समाजजनों द्वारा नवाखाई और ठाकुर जोहरनी भी किया गया। आयोजन में 18 गांव के समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं द्वारा पारंपरिक रेला पाटा करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद कंकेर सोहन पोटाई, प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज विनोद नागवंशी, प्रदेश अध्यक्ष आदि लोग मौजूद थे। साथ ही इस दौरान सामाजिक संवैधानिक अधिकार और युवाओं के रोजगार आदि विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संरक्षक मदन सम्रत, अध्यक्ष प्रभुराम मरकाम के साथ समाज जन उपस्थित रहे। सर्व आदिवासी समाज कार्यक्रम आज पूर्ण समाज के पारंपरिक नवाखाई के बाद पूरा समाज जुल मिल के क्षेत्र में सब सियान, सब महतारी और जवान मन संग ठाकुर जोहरनी करते, जैमे अब अपन देवता सुमर के और पूरा समाज संग बैठ के सुख दुख के साथ में जे हमारे परंपरा तक चर्चा करथन, अपन समाज के विकास की बात करते। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र सिल्फी
इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलने पर सीसीएफ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर ही डॉक्टरों द्वारा हाथी के शव का पीएम किया गया, जिसके बाद दफना दिया गया। हालांकि हाथी की मौत का कारण अभी तक अफसर बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि हाथी का विसरा जांच के लिए भेजा जाएगा और तभी मौत के कारणों का पता लग पाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया 24 के साथ।